प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के दो दिन बाद ही कई संगठनों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के फैसले का विरोध करते हुए मंगलवार को टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्थानीय निवासियों के लिए उचित सर्विस रोड और पास के बिना टोल लगाना गलत है। इस दौरान विपक्षी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए और उन्होंने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शनकारी परियोजना के पूरे होने तक टोल शुल्क वसूलने का विरोध कर रहे। उन्होंने सर्विस रोड नहीं बनने और टोल की दर बहुत अधिक होने के संबंध में आपत्ति व्यक्त की है। पुलिस कर्मियों की भारी मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग के नारे लगाए और सरकार की आलोचना भी की, जबकि कुछ ने टोल प्लाजा को पूरी तरह से नष्ट करने की धमकी दी है और कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस हाईवे पर टोल संग्रह का पहला दिन होने के कारण कुछ तकनीकी गड़बड़ियों से अर्थव्यवस्था बनी रही, जिससे कि यात्रियों को जाम के कारण काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। कई कैब चालक जो रोजाना इस मार्ग से यात्रा करते हैं, कम दूरी के लिए उच्च टोल शुल्क वसूलने और उचित सर्विस रोड न होने के लिए NHAI अधिकारियों का विरोध करते नजर आए। आपको बता दें कि 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने यहां 118 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे परियोजना का उद्घाटन किया था। अधिकारियों के अनुसार यह बेंगलुरु और मैसूर के बीच यात्रा के समय को लगभग 3 घंटे से घटाकर लगभग 75 मिनट कर देगा। अधिकारियों ने कहा कि 8,440 करोड़ रुपए की परियोजना में NH275 के बेंगलुरु निटा घट्टा मैसूर खंड को 6 लेन में बनाया गया है और यह क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो भारत।